हेलो नमस्ते सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल केम छु सारू छे। मैं शशांक आपका अपने चैनल टिप ट्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं ऋषिकेश की। ऋषिकेश एक ऐसा नाम है जिसका नाम सुनते ही मन शांत होने लगता है। यहाँ की वादियों की ठंडी हवाएं और शांति बटोरने के लिए पूरे भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ जमा होते हैं। और ऋषिकेश इतना सुंदर जगह है कि यहाँ पर आपको पूरे वर्ल्ड के आदमी देखने को मिलते हैं। ऋषिकेश को हम दोनों नजरिए से टूरिस्ट पॉइंट बनाकर देख सकते हैं, एक तो धार्मिक स्थल और दूसरा एडवेंचर की दुनिया। इसलिए हमने ऋषिकेश की वीडियो को भी दो ही भागों में बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश के धार्मिक स्थल के बारे में दिखाऊंगा और दूसरी वीडियो में मैं आपको ऋषिकेश के एडवेंचर के बारे में बताऊंगा। तो इसलिए देरी ना करते हुए जल्दी से ऋषिकेश घूम लेते हैं। और अगर आपकी कोई और अगर आप कोई और जानकारी लेना चाहते हैं ऋषिकेश के बारे में तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप हमें मेल करके भी पूछ सकते हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक हमारी वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह की वीडियो नई नई वीडियो आपको जिससे मिलती रहेंगी। नंबर एक, त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का गंगा का बहुत ही सुंदर तट है। यहाँ पर गंगा तीन भागों में बहती है इसलिए इसको त्रिवेणी घाट बोलते हैं। यहाँ पर रोज शाम को माँ गंगे माई की आरती का भव्य कार्यक्रम होता है। हजारों श्रद्धालु आरती में भाग लेते हैं। अगर आप ऋषिकेश जा रहे हैं तो त्रिवेणी घाट के संगम में स्नान करके अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं, जैसे अर्जुन का रथ और भगवान शिव पार्वती की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, आप वह सब भी देख सकते हैं। नंबर दो, भरत मंदिर। भरत मंदिर ऋषिकेश का पावन स्थान है। यहाँ पर आपको भगवान नारायण के साक्षात दर्शन होते हैं। जो लोग बद्रीनाथ जाने में असमर्थ हैं वे यहाँ पर भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं। और यह मंदिर भगवान श्री राम का के छोटे भाई श्री भरत जी का नहीं है, यह भगवान विष्णु का मंदिर है। इसे गुरु शंकराचार्य द्वारा सन 789 में पुनः विस्थापित किया गया। नंबर तीन, लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला एक हैंगिंग ब्रिज है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था और 11 अप्रैल 1930 को आम जनता के लिए गंगा क्रॉस करने के लिए चालू किया गया। उससे पहले यह जूट की रस्सी से बना हुआ था जो 1924 की आपदा में बह गया था। उसके बहने के बाद गंगा पार करने का कोई साधन नहीं था इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इसे दोबारा लोहे की मोटी मोटी रस्सी से बनाया गया। इसे झूला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर चलने पर यह झूले की तरह हिलता है, इसलिए इसे लक्ष्मण झूला भी कहा जाता है। जब आप इसके ऊपर जाएं तो महसूस करें यह झूले की तरह हिलता है। यहीं पर आप स्पीड बोट का मज़ा भी ले सकते हैं। अगर आपको स्पीड बोट में बैठने का शौक़ है तो बेशक आप अपना शौक़ यहाँ पूरा कर सकते हैं। साथ ही आप सच्चा अखिलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं जिसके अंदर आप भारत के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर जल भी एक मंजिल पर चढ़कर चढ़ाया जाता है। और साथ ही लक्ष्मण झूला की बहुत ही सुंदर मार्केट है जहाँ पर आपको सभी कुछ हिंदू धर्म से जुड़े धार्मिक सामान, किताबें, मालाएं और भी बहुत कुछ मिल जाता है। यहीं पर आपको पूरी दुनिया से आए हुए सैलानी देखने को मिलते हैं जो सात समुंदर पार करके ऋषिकेश के सुंदर सुंदर घाटियों का और शांति का आनंद लेने के लिए सात समुंदर पार ऋषिकेश में आते हैं। नंबर चार, राम झूला। राम झूला भी लक्ष्मण झूला की भांति बिल्कुल सेम दिखाई देता है। यह लक्ष्मण झूला से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
यह बाबा शिवानंद के कहने पर बनाया गया था, इसे शिवानंद झूला भी कहते हैं। यहाँ पर भी श्रद्धालु लक्ष्मण झूला की भांति ही राम झूला देखने आते हैं। झूला पार करके स्वर्ग आश्रम की गद्दी है, जो बाबा काली कमली वाले की गद्दी भी कही जाती है। यहीं पर आपको बहुत सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट हैं जो फेमस हैं, उसमें आप मन चाहे खाना खा सकते हैं और यहाँ के ऋषिकेश के लजीज व्यंजनों का स्वाद भी ले सकते हैं। यहीं पर राम झूला के पास में ही प्राचीन रामेश्वर मंदिर है, जिसमें आप रामेश्वर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही गंगा किनारे एक नौका विहार का बहुत ही सुंदर आनंद है। नौका विहार करने के लिए लोग बड़ी दूर से आते हैं और ऋषिकेश में नाव के द्वारा गंगा पार करते हैं। यहीं पास में ही गीता भवन है, जो एक बहुत ही बड़ा और मुख्य पर आश्रम है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। आप गीता भवन में राधा कृष्ण जी के दर्शन भी कर सकते हैं। गीता प्रेस, यहाँ पर आपको सभी प्रकार की पुस्तकें भी मिल जाती हैं। दूसरा, यहाँ बहुत ही बड़ा आश्रम परमार्थ निकेतन आश्रम है, जिसमें दुनिया के बहुत सारे देशों से ट्रस्टी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर साल में एक बार योग मेला लगता है, जिसमें 50 से ज़्यादा देशों के लोग आकर भाग लेते हैं, जो एक ऋषिकेश के लिए बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होता है। परमार्थ निकेतन में रोज शाम को भव्य आरती का कार्यक्रम होता है,